हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 5 का बेसिक पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी का n-वां पद ज्ञात करने का सूत्र, समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र, समांतर श्रेणी के अंतिम पद से n-वां पद ज्ञात करने का सूत्र, सार में अंतर क्या होता है ये पढ़ा था। उसी को आगे बढ़ लेते लेकर हम आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 5.1 की बात करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी हमें दे रखा है, जिसका हमें क्या निकालना है, प्रथम पद और सार्वंतर डी ये ज्ञात करना है। ये हमें समांतर श्रेणी दे रखा है। अब मैंने उस टाइम आपको बताया था ये समांतर श्रेणी में ये पद कहलाता है पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, इसको दर्शाते हैं A1 से, A2 से, A3 से, A4 से, ठीक है। और मैंने उसी टाइम बताया था जो प्रथम पद होता है A1 वही क्या होता है, A होता है, प्रथम पद होता है, समझ गए। तो यहां देखो, समांतर श्रेणी में प्रथम पद A, बताओ कितना है, -7। प्रथम पद निकल गया, कितना आया, -7। अब निकालेंगे हम सार्वंतर, दूसरा क्या पूछ रहा है, मैं सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर, सूत्र क्या होता है सार्वंतर का, A2 माइनस A1। बताओ A2 कितना है, A2 का मतलब दूसरा पद, A2 का मतलब समांतर श्रेणी का दूसरा पद, बताओ दूसरा पद कितना है, -9। तो यहाँ A2 की जगह क्या रख दो, -9, ठीक है। फिर क्या है, -A1 का मान कितना है, -7। तो यहाँ कोष्टक में रखूँगा, माइनस का आ रहा है तो कोष्टक में रखना जरूरी है, -7, ठीक है। -9 ऐसा कैसा, माइनस को माइनस से गुणा करके हो जाएगा प्लस, कितना, 7। बताओ विपरीत चिन्ह, तो चिन्ह घट जाते हैं, जुड़ जाते हैं, संख्या जुड़ जाती है, घट जाती है, विपरीत चिन्ह तो क्या हो जाती है, घट जाती है। ये माइनस की, ये प्लस की है, तो बताओ क्या बचेगा, 2 बचेगा, किसका बचेगा, माइनस की बढ़ी है तो माइनस का। बताओ सार्वंतर कितना आ गया, सार्वंतर डी कितना आ गया, माइनस। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर, एक तो ये और एक, समझ गए। अतः लगा के लिख दो, अतः प्रथम पद ए बराबर, तो कितना आया, ए बराबर, तो प्रथम पद ए बराबर तो कितना आया, -7। और सार्वंतर डी बराबर कितना आ गया, -2। ये क्या हो गए हमारे आंसर, समझ गए, समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है, हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद पूछ रहा था, तो प्रथम पद तो A1 का मान हो गया, A1 कितना है, -7। फिर क्या पूछ रहा है, सार्वंतर, सार्वंतर का सूत्र क्या होता है, डी बराबर A2 - A1। हमेशा सार्वंतर का सूत्र ये लगाना, A2 - A1। आगे वाले पदों का मैं अंतर निकालूंगा तो यही आएगा, तभी तो समांतर श्रेणी है। अगर अंतर समान नहीं आएगा, सार्वंतर समान नहीं आएगा, तो समांतर श्रेणी थोड़ी होगी, नहीं, समझ गए। तो आगे निकालने की जरूरत नहीं, A2 - A1 निकालेंगे तो -9 A2 का मान, माइनस का माइनस, A1 का मान कितना है, -7 है, तो कोष्टक में -7 रख दो, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे +7, माइनस के 9 में से +7 गया, विपरीत चिन्हों तो घटाते हैं, दो संख्या विपरीत चिन्हों में हो, अलग अलग चिन्हों में हो तो घटाते हैं, -9 में से +7 गया तो क्या बचेगा, -8, समझ गए। प्रथम पद -7 आ गया, सार्वंतर कितना आ गया, -2। इसी का पाँचवा क्वेश्चन देखो, इसी का पहले का पाँचवा देखो, पाँचवा क्या दिया हमें, 5th, -1, 1/4, 3/2, ... अनंत तक जा रही है, इस समांतर श्रेणी अनंत तक जा रही है। इसमें आपको क्या निकालना है, एक तो प्रथम पद, बताओ प्रथम पद कितना है, -1, समझ गए। जो प्रथम पद होता है वो A1 के बराबर ही तो होता है, तो प्रथम पद कितना आ गया, -1। अब क्या निकालेंगे, सार्वंतर किससे, डी से दर्शाते हैं, तो डी बराबर क्या हो जाता है, A2 - A1। A2 कितना है बताओ, 1/4, ये A1, ये A2, ये A3 डॉट डॉट आगे जब, तो A2 का मान कितना है, 1/4 लिख दिया हमने, कितना, 1/4, माइनस A1 का मान कितना है, -1, तो यहाँ कितना रख दिया, माइनस, ठीक है। बताओ क्या आएगा, 1/4, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, बताओ कितना, 1। मैंने बताया था आपको, क्या कभी भी आपको भिन्न दिख जाए, अंश बटा हर में दिख जाए, तो हमेशा क्या निकालना है, और बीच में क्या होना चाहिए, पदों के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो, तो हमेशा क्या निकालना है आपको, लेस, लेस निकालना है।
जोड़ योग करना हो और बाकी करनी हो बिना जाए तो हमेशा क्या निकालना है, हर वाली संख्याओं का लहसे। जबकि इंटू हो और भाग हो तो लहसे थोड़ा निकालेंगे, नहीं ओनली प्लस माइनस का चिन्ह तो ही लहसे निकाली। पता हो यहाँ चार है, इसके नीचे कितना है, यहाँ एक, एक और चार का लहसे कितना आएगा, चार, चार का भाग चार में एक बार, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक, प्लस इसके नीचे कितना है एक, एक का भाग चार में चार बार, चार को इस एक से गुणा करूंगा तो कितना आएगा चार, बताओ एक और चार पाँच, पाँच बटा कितना आ गया चार, तो बताओ सार्वंत्र कितना आ गया पाँच बटा चार, समझ गए, तो डी आ गया पाँच बटा चार। अतः लगा के लिख दो, अतः प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना आया था माइनस एक और सार्वंत्र डी बराबर कितना आया पाँच बटा चार, ये क्या हो गए हमारे आंसर, समझ गए, समझ में आ गया, आता है बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, प्रश्न वाली पांचवी आपकी बिल्कुल ही सरल है, कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है सूत्रों का, बेसिक आना चाहिए। इसी में देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार्वंत्र डी निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम चार पद लिखिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बिल्कुल, क्या दिया है, मैं समांतर श्रेणी के प्रथम पद दिया है और सार्वंत्र दिया है, और क्या निकालना है, उस श्रेणी के प्रथम चार पद निकालना है, यानी कि प्रथम पद चार पद का मतलब ए वन ए टू ए थ्री ए फोर निकालना है, समझ गए। तो देखो हमें क्या दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है ए और सार्वंत्र डी दे रखा है दोनों, हमें अगले कितने पद निकालने हैं चार। तो देखो प्रथम पद ए बराबर कितना माइनस एक और सार्वंत्र डी बराबर कितना दे रखा है एक बटा दो, ठीक है एक बटा दो दे रखा है, देखो तो इसमें प्रथम पद ए बराबर माइनस एक है, सार्वंत्र डी बराबर एक बटा दो, हमें क्या निकालना है श्रेणी के प्रथम चार पद निकालने, प्रथम चार पद यानी कि ए वन ए टू ए थ्री, तो सबसे पहले ए वन निकालेंगे, ए वन बराबर क्या होता है ए, बताओ ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, एक कीजिए कितना रख दो माइनस एक, तो माइनस एक निकल गया कि ए वन, तो इसी प्रकार अगला पद निकालो दूसरा, दूसरा का पद ने पद का कहने का मतलब ए टू, ए टू बराबर क्या होता है ए प्लस डी, ये होता है सूत्र मैंने बताया था, ए टू को कैसे लिखते हैं ए प्लस डी, समझ गए, ए का मान कितना है माइनस एक प्लस डी का मान कितना है एक बटा दो, यहाँ का क्या आ गई बिन आ गई, तो देखो बिन को हल करने के लिए क्या लेंगे लहसे लेते हैं, इसके नीचे कितना है एक, एक और दो का लहसे कितना आएगा दो, इस एक का भाग इस दो में, नीचे वाले का हर का भाग इस लहसे में लगा दो, एक का भाग दो में कितनी बार जाएगा दो बार, दो को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस दो, समझ गए समझ गए, फिर आगे क्या है प्लस, तो प्लस दो का भाग दो में एक बार, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक, बताओ ये माइनस का ये प्लस का, फिर चिन्ह तो जोड़ते हैं घटाते हैं घटाते हैं, माइनस के दो में से प्लस का एक गया तो क्या बचेगा माइनस एक बटा कितना दो, बताओ ए टू कितना आ गया माइनस एक बटा दो निकल गया, अब क्या निकाल लो ए थ्री, ए थ्री, ए थ्री का सूत्र क्या होता है ए प्लस टू डी, ए थ्री को ए प्लस टू डी, बताओ ए का मान माइनस एक प्लस दो इंटू डी का मान एक बटा दो, ठीक है दो से दो, ये दोनों गुणा में, ये अंश में है ये दो का है हर में, दो से दो कट जाएगा क्या बचेगा माइनस एक प्लस एक, माइनस एक में से प्लस एक गया तो क्या बचेगा जीरो, ए थ्री का मान कितना आ गया बताओ जीरो, ए थ्री का मान कितना आ गया जीरो, अब क्या निकाल लो ए फोर, ए फोर बराबर ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी क्योंकि चार तो यहाँ तीन डी आएगा एक कम हो जाएगा, एक का मान माइनस एक प्लस तीन इंटू डी का मान एक बटा दो, तो बताओ क्या आ गया माइनस एक प्लस, पर नीचे नहीं कट रहा है तो तीन को एक से गुणा करेंगे तो तीन बटा कितना दो, बताओ ए फोर बराबर माइनस एक प्लस तीन बटा दो, अब यहाँ भिन्न आ गई, भिन्न आते क्या निकालेंगे लहसे निकालेंगे किसका, देखो ए फोर बराबर माइनस एक प्लस तीन बटा दो,
यहाँ क्या निकालेंगे, भिन्न आ गई, देखो भिन्न आ गई अंश बटा हर में, अंश बटे हर में आते क्या निकालेंगे, लेस है, लेस से कितना आएगा दो, इसके नीचे कितना है माइनस एक, के नीचे एक, एक का भाग दो में दो बार, दो को माइनस एक से गुणा करेंगे तो माइनस का दो, प्लस दो का भाग दो में एक बार, एक को तीन से गुणा करेंगे तो तीन, एक चिन्ह प्लस में हो एक चिन्ह माइनस में हो, एक संख्या सॉरी एक संख्या प्लस में हो एक संख्या माइनस में हो, विपरीत चिन्हों में दो संख्या हो तो क्या करते हैं हम घटाते हैं, माइनस का दो प्लस का तीन तो क्या बचेगा एक, प्लस का बढ़ाया तो प्लस का बचेगा बटा दो, ए फोर कितना आ गया बताओ एक बटा दो। बताओ हमें क्या पूछा था, श्रेणी के प्रथम चार पद निकालिए, क्या हमने निकाल लिया ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, अतः लगा के लिख दो, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद, बताओ क्या क्या आया प्रथम चार पद, प्रथम पद ए वन तो आया माइनस एक, फिर क्या आया माइनस एक बटा दो, माइनस एक बटा दो, फिर क्या आया जीरो, और फिर कितना आया एक बटा दो होंगे, ये क्या हो गया हमारा आंसर, समझ में आया नहीं है, बिल्कुल सरल है, हमें ए और डी दिया है, हमें क्या पूछ रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद पूछ रहा है, यानी कि ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, हमने निकाल लिया ए वन का मान, ए टू का मान, ए थ्री का मान, ए फोर का मान, ए वन हमेशा किसके बराबर होता है एक के बराबर, ए वन तो कितना आ गया माइनस एक, ए टू क्या होता है ए प्लस डी, ए कमा रखा डी कमा रखा, लेस निकाला हल किया समझ के, ए थ्री क्या होता है ए प्लस टू डी, ए कमान रखा डी कमान रखा, दो से दो कट गया एक बच गया, माइनस के एक में से प्लस एक गया तो क्या आ गया जीरो, ए फोर का सूत्र क्या होता है ए प्लस थ्री डी, ए कमा रखा डी कमा रखा कोई नहीं कट रहा है, तीन को एक से गुणा करेंगे तीन, दो का दो माइनस एक प्लस तीन बटा दो, भी नाते क्या निकालेंगे लेस, लेस कितना आया माइनस दो, तो माइनस दो प्लस तीन यानी कितना आ गया एक बटा दो, ए फोर निकल गया, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद क्या आ गया माइनस एक बटा दो जीरो एक बटा दो होंगे, ये क्या हो गया हमारा आंसर, समझ गए, इसी में अब देखो इसी का मैं कौन सा बता रहा हूँ आपको, इसी का आपको करा रहा हूँ मैं सिक्स छठवा, छठवा देखो में दे रखा है प्रथम पद a बराबर तो दिया है माइनस एक पॉइंट दो पाँच, और सार्वंतर d बराबर हमें दिया है माइनस जीरो पॉइंट दो पाँच, ठीक है ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है तो हमें क्या पूछ रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद, ठीक है तो सर प्रथम चार पद निकालेंगे तो ए वन, सबसे पहले ए वन हमेशा किसके बराबर होता है एक के बराबर, तो बताओ ए वन का मान कितना आ गया माइनस एक पॉइंट दो पाँच, ए वन निकल गया क्या, हाँ निकल गया, अब क्या निकालेंगे ए टू, ए टू का सूत्र क्या होता है ए टू बराबर ए प्लस डी, बताओ ए का मान माइनस एक पॉइंट दो पाँच, प्लस डी का मान माइनस, माइनस में क्वेश्चन पर रखना पड़ेगा जीरो पॉइंट दो पाँच, माइनस एक पॉइंट दो पाँच ऐसा कैसा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, बताओ कितना आ गया जीरो पॉइंट दो पाँच, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, दोनों संख्याएं माइनस माइनस में तो जुड़ जाएगी, समान चिन्ह वाली संख्या क्या हो जाती है जुड़ जाती है, वही चिन्ह आ जाता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ना आना चाहिए पॉइंट होगा, क्या होता है एक पॉइंट दो पाँच में कितना जोड़ना है जीरो पॉइंट दो पाँच, हमेशा जोड़ या बाकी करते हैं दस लोग तो पॉइंट के नीचे क्या लगाते हैं पॉइंट, पॉइंट के उस साइड में कितना है दो और कितना है पाँच, इस साइड में कितना है जीरो, अब ऐड कर लो दोनों को जोड़ दो जीरो दो दो चार एक पाँच पॉइंट एक, कितना आया एक पॉइंट पाँच, किसका माइनस का, माइनस का एक पॉइंट पाँच निकल गया क्या ए टू, अब एक पॉइंट पाँच जी पाँच जीरो जीरो को हटा भी सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद कोई संख्या हो क्या, वो पॉइंट के बाद संख्या के बाद जीरो आ जाए या पॉइंट के बाद जीरो आ जाए उसको हटा सकते हैं समझ गए, तो माइनस का कितना आ गया एक पॉइंट पाँच, अब क्या निकालेंगे ए थ्री निकालेंगे, ए टू निकल गया अब क्या निकालेंगे ए थ्री, देखो तो ए थ्री, ए थ्री का सूत्र क्या होता है ए थ्री, ए थ्री बराबर क्या होता है ए प्लस टू डी, ए का मान माइनस एक पॉइंट दो पाँच प्लस दो इंटू डी का मान कितना है माइनस जीरो पॉइंट दो पाँच, ठीक है माइनस एक पॉइंट दो पाँच ऐसा कैसा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस, पॉइंट को भूल जाऊँ या एक सेकंड के लिए पॉइंट को भूल जाओ, कितना है यहाँ पच्चीस, पच्चीस को दो से गुणा करेंगे तो कितना आएगा पचास,
ठीक है, बताओ कितने के बाद पॉइंट है, एक दो, दो के बाद पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दिया और आगे क्या लगा दिया, जीरो, समझ गए। यानी कि दो को मैं 0.25 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 0.5, ये भी माइनस ये भी माइनस, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती, अभी जोड़ना बताया था, अभी इसे जोड़ देना तो कितना आ जाएगा माइनस का 1.75, समझ गए। ये क्या आ गया A3। अब क्या निकालना है A4, A4 चौथा पद, A4 बराबर क्या हो जाएगा A+3D, A का मान कितना है -1.25 प्लस 3 इंटू D का मान कितना है -0.25, ठीक है, बताओ कितना हो गया -1.25, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, 3 को 25 से गुणा करो, वही काम, यहाँ पॉइंट को भूल जाओ एक सेकंड के लिए, 25 रह गया, 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75, बताओ कितने के बाद पॉइंट है दो के बाद, दो के बाद पॉइंट लगा दिया, आगे क्या है जीरो, आगे जीरो लगा दिया, समझ गए। ये भी माइनस ये भी माइनस, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती है वो चिन्ह आ जाता है, तो माइनस का कितना आ गया 2.00, पॉइंट के बाद 0 0 आ रही है क्या, हटा दो तो कितना आ गया -2, ये किसका मान आ गया A4 का, निकल गया क्या समान श्रेणी के चारों पद निकल गए, प्रथम चार पद, प्रथम पद तो क्या आया -1.25, दूसरा पद गया है -1.5, तीसरा पद गया है -1.75 और चौथा पद गया है माइनस के, तो अतः लगा के लिख दो, अतः एपी का मतलब समझ गए, समांतर श्रेणी कहने का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो प्रथम चार पथ बताओ क्या आया, पहला पद तो -1.25 कोमा, फिर आया -1.5, फिर आया -1.75, फिर आया -2 होंगे, ये क्या हो गया हमारे आंसर, समझ गए। अब देखो आगे, ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप कर लेना जो रह गया वो उसको कर लेना पहले और दूसरे में। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कुछ सूचियाँ दे रखा है, यानी सीरीज दे रखा है, उस सीरीज को देख के, उस सीरीज को हमें पूछ रहे हैं सीरीज समान, वो सीरीज दे रखा है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। अब बताओ, मैंने बताया था समांतर श्रेणी कब होती है कोई सीरीज, जब उसमें क्रमागत यानी कि सार्वअंतर क्या होना चाहिए, समान, सार्वअंतर क्या होना चाहिए, समान, तो जो दी गई सूची है वो समांतर श्रेणी होगी, अगर सार्वअंतर समान नहीं होगा पदों का तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है देखते हैं, देखो तीसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए, आपको ये बताना है जो सूचियां दे रखा है हमें उनमें हमें यह पहचान है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, समझ गए। समांतर श्रेणी कब होगी, जब सार्वअंतर समान होगा, अगर सार्वअंतर समान नहीं है पदों का तो क्या होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। आगे क्या पूछ रहा है, यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वअंतर याद कीजिए, अगर इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वअंतर भी लिखना है, फिर क्या पूछ रहा है तथा इसके अगले चार पद भी लिखिए, अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वअंतर भी लिखना है और उसके अगले कितने पद और निकालने हैं, चार, अगर समांतर श्रेणी नहीं होगी तो सार्वअंतर निकाल पाएंगे क्या, नहीं सार्वअंतर नहीं निकाल पाएंगे तो अगले चार पद भी नहीं निकाल पाएंगे, समझ गए। तो आपको जो समांतर श्रेणी होगी उसी का सार्वअंतर निकालना है और उसी के अगले कितने पद निकालने हैं, चार। आपका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2, 5/2, 3 और 7/2 ऐसे दे रखा है, क्वेश्चन को सही कर लेना, क्वेश्चन आपकी किताब में गलत दे रखा है, किताब में ऐसे दे रखा है 2, 5/22, 3 और 7/2 सात ऐसे दे रखा है 7/2, तो ये दो है ना, ये दो यहाँ आएगा, समझ गए। तो ये पहला तो आप कर लेना, बिल्कुल सही क्वेश्चन को सही कर लेना, बस 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट आगे तक जा रहा है, अंत तक जा रहा है, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ, अर्थात A1, A2, A3, A4 निकाल लेना, ये तो